सरकार ने हमारे सभी सहयोगीगण आदरणीय विनोद उनियाल जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, आदरणीय विश्वास डावर जी, आदरणीय मधु भट्ट जी एवं मेरे सामने बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हमने पुनीत जी, हमारे अनिल जी, डॉक्टर आदित्य जी, विशाल भाई, हमारे युवा नेता श्री अर्चित जी, श्याम अग्रवाल जी, हमारी अलर्जी बहन जी, हमारे गार्जियन डॉक्टर जैन साहब, विनय जी अब और अशोक भाई, आपने भी कल शाम को, मैं तो सच में भूल ही गया था कि अखबार में क्या निकला है, आपका ही लेख पढ़ा मैंने सबसे ज़्यादा, बड़ा लेख उन्होंने दे रखा था, अशोक जी और हमारी विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे धर्म, हमारी बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आदरणीय गीता खन्ना जी समेत हमारे कर्नल भंडारी जी समेत उनकी पूरी टीम आई है, हमारी हमारे जोशी जी आए, जोशी जी और कैसे और गड़बड़ क्यों हो रहा, और आज पूरे देहरादून से आए हुए विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे वरिष्ठ जन और देहरादून की, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जितना ये पूरा हॉल भरा हुआ है, इस सभागार के अंदर सभी हमारे देहरादून की क्रीम कह सकता हूँ, जो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे संचालक श्री सिद्धार्थ जी, महानगर अध्यक्ष, आप सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सबके यहाँ पधारने पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें, हमारे सभी बुजुर्ग, सभी युवा नौजवान साथियों, मैं अपनी ओर से आज आप सबका, आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोग जितने भी इसके सभागार के अंदर बैठे हैं, मैं अधिकांश लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके नाम से जानता हूं, लेकिन मैं अब उस औपचारिकता में जाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आप सबके यहाँ पधारने पर अपनी ओर से सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों का, जिन्होंने देश की सीमाओं के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, अपना बलिदान दिया, उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारियों को, उनको भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम आज राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज का दिन 23 मार्च ये आज विशेष दिन है, आज ही के दिन हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी आज मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इन्होंने आज ही के दिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, तब जाकर हमको आज़ादी मिली। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज सच बताऊं तो अपने दिल की बात, क्योंकि थोड़ा समय है और जितना भी यहाँ पर समय है, संगोष्ठी तो ये होती है कि संगोष्ठी में हम सब लोग बोलते, सबके विचार आते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि समय की भी बाध्यता है और पहले से कई सारे कार्यक्रम भी लगे हैं, मेरा मन तो बहुत था कि बहुत सारे लोग एक से एक अच्छे वक्ता हैं, मंच पर हैं, मंच के सामने भी हैं, उन सब की बात सुनते, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ।